रूसी इंटेलिजेंस अफसर का दावा है कि प्यूटन कैंसर के बायस सिर्फ 3 साल मजीद जिंदा रह सकेंगे। रूसी इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन सिर्फ 3 साल मजीद जिंदा रहेंगे क्योंकि इनमें तशखीस किया गया कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अफसर ने दावा किया है कि 69 साल व्लादिमीर प्यूटन दिन ब दिन अपनी बिनाई खो रहे हैं जबकि कैंसर की वजह से वो 3 साल मजीद जिंदा रहेंगे। अतलात के मुताबिक सिक्योरिटी सर्विस के अफसर ने प्यूटन की सेहत के बारे में ताजा तरीन इंकशाफात साबिक जासूस बोरस को भेजे गए पैगाम में किया जो कि इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि रूसी जासूस को भेजे गए पैगाम में बताया गया है कि सदर प्यूटन सर दर्द की बीमारी में मुबतला है और इनकी बिनाई शदीद खराब हो रही है जिसकी वजह से जब वो टीवी पर आते हैं तो इन्हें एक कागज की जरूरत होती है जिसमें हर चीज बड़े हरूफ में लिखी होती है ताकि वो पढ़ सके। ये दावा इनके आसराइयों के दरमियान सामने आया है कि रूसी सदर प्यूटन की सेहत तेजी से खराब हो रही है जबकि दूसरी जानब रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने इतवार के रोज सदर प्यूटन के बीमार होने की आसराइयों की तरदीद करते हुए कहा कि रूसी सदर बिल्कुल ठीक है और इनमें किसी किस्म की बीमारी की तशखीस नहीं हुई।